चलिए क्लास शुरू करते हैं इस चैप्टर का टॉपिक टू प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। चलिए देखते हैं कि यहां पर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। तो क्लास इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एल्कीन से अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और हम देखेंगे कि अल्कोहल को कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे प्रिपेयर किया जाता है। यहां पर जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हम लेंगे वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होंगे और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ग्रिनार्ड रिएजेंट से अल्कोहल्स को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV1 प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स। क्लास अगर हम अल्कोहल्स को एल्कीन से बनाए तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो मेन मेथड्स हैं। जो पहला मेथड है वो ये है कि बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन से, और दूसरा मेथड है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो चलिए समझते हैं कि ये दोनों मेथड्स क्या हैं और इनके द्वारा अल्कोहल्स को कैसे बनाया जा सकता है। चलिए क्लास सबसे पहले समझते हैं कि अगर एल्कीन्स का एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रेशन किया जाए तो अल्कोहल्स कैसे फॉर्म होते हैं। क्लास इस रिएक्शन को हम सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक एल्कीन है और उसकी रिएक्शन हो रही है वाटर से, और इस रिएक्शन में जो एसिड है वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो होगा अल्कोहल। क्योंकि क्लास हाइड्रेशन का मतलब ही यही होता है कि एडिशन ऑफ वाटर। तो चलिए क्लास समझते हैं इस रिएक्शन को। सबसे पहले हम इस रिएक्शन को उस केस में समझेंगे जब हमारा एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन होगा। तो उस केस में आप यहां पर देख सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल एल्कीन, जैसा कि हमने यहां पर एथीन लिया है, वो सिंपली वाटर से रिएक्ट करता है एसिड के प्रेजेंस में, जिससे यहां पर डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक कार्बन पर एच आता है और एक कार्बन पर OH आता है, और इस तरह से हमारा अल्कोहल बन जाता है। तो क्लास यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा एल्कीन है वो एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। चलिए अब देखते हैं कि अगर हमारा एल्कीन अनसिमेट्रिकल होगा तब किस प्रकार से अल्कोहल फॉर्म होगा। इसे हम इस रिएक्शन से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और जब ये एसिड के प्रेजेंस में वाटर से रिएक्ट कर रहा है तब यहां पर एक अल्कोहल बना है। अब क्योंकि क्लास यहां पर जो हमारा एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है, इसलिए यहां पर जो प्रोडक्ट बना है हमारा वो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बना है। मार्कोनिकॉफ रूल्स के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, जो ये कहता है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स हैं और उनका एडिशन अराउंड द डबल बॉन्ड होना है, तो जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं, जो OH है वो CH पर आया है, ना कि CH2 पर, और ये OH CH पर इसलिए आया है क्योंकि CH पर हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कम है, केवल एक ही हाइड्रोजन है, और यही मार्कोनिकॉफ रूल भी कहता है। तो क्लास इस तरह से एसिड के प्रेजेंस में अगर एल्कीन्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमको अल्कोहल्स देते हैं, और ये अल्कोहल्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स फॉर्म होते हैं। चलिए क्लास अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। तो क्लास अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो ये तो आपको पता ही है कि हमने यहां पर एक एसिड लिया था जो कि कैटलिस्ट का काम कर रहा था, और क्लास ये एसिड्स मोस्ट ऑफ द टाइम मिनरल एसिड्स होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने लिया है H2SO4। अगर H2SO4 डिसोशिएट होगा तो ये आपको H+ देगा, और यही H+ हमारी रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। तो क्लास देखते हैं कि हमारे मैकेनिज्म का स्टेप 1 क्या है। तो क्लास हमारा स्टेप 1 होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाई इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। यानी कि सबसे पहले एल्कीन का प्रोटोनेशन होगा जिससे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा,
और ये कैसे होगा? ये होगा बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन के थ्रू। चलिए समझते हैं कैसे। तो क्लास, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है जिस पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स हैं, और ये है हमारा प्रोटॉन जो कि हमें एसिड से मिला है। तो क्लास, लोन पेयर, क्योंकि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो प्रोटॉन पर अटैक करेंगे और उसको अपने साथ बाइंड कर लेंगे, जिससे हमारा फॉर्म होगा हाइड्रोनियम आयन। और क्लास, यही हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। सपोज दैट ये हमारा एल्कीन है जो कि एक सिमेट्रिकल काइंड ऑफ एल्कीन है, और ये है हमारा हाइड्रोनियम आयन यानी कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब क्लास, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो वहां पर एक पाई बॉन्ड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और क्योंकि यहां पर जो हमारा हाइड्रोनियम आयन है इसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसीलिए यहां पर ये अटैक होगा। और अगर प्रोटॉन को कोई भी एक कार्बन अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहां पर जो बॉन्ड था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, यहां के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी ऑक्सीजन की तरफ। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाइंड था अब तक, इसको कार्बन ले लेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग ऑक्सीजन की तरफ हुई है तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा? हमें इससे मिलेगा एक तो कार्बोकेटायन, क्योंकि एक कार्बन को तो हाइड्रोजन मिल चुका है और दूसरे कार्बन पर अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, और हमको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में क्या हुआ? सबसे पहले तो हमारा हाइड्रोनियम आयन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के थ्रू हमें कार्बोकेटायन मिला। चलिए अब देखते हैं कि हमारा सेकेंड स्टेप क्या है। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन है, यानी कि जो हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है उस पर वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा वो कार्बोकेटायन जो अभी जस्ट फॉर्म हुआ था, और ये है वाटर मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है जबकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एज अ न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा और कुछ इस तरह से कार्बन के साथ बाइंड हो जाएगा। अब क्योंकि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, उसको फॉर्म करने में जो इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं वो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, इसीलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लास, यहाँ पे ना एक बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ना वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इट कैन बेटर एकोमोडेट नेगेटिव चार्ज, बट पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि हमारा थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप में है डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन एल्कोहल। चलिए समझते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी वो स्पीसीज है जो तब बनी थी जब कार्बोकेटायन पर वाटर मॉलिक्यूल ने अटैक किया था एज अ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर हमारे पास फिर से एक और वाटर मॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट्स, ये वाटर मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और इसीलिए ये वाला जो बॉन्ड है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो समाप्त हो जाएगा, और इस तरह से हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसमें होगा एक तो आपका एल्कोहल, क्योंकि ऑक्सीजन के पास से एक हाइड्रोजन तो वाटर लेके जा चुका है तो अब वहाँ पर केवल OH रह गया है, और हमें फिर से मिल जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो कि हाइड्रोनियम आयन होगा। तो क्लास, देखा आपने कि जब हम वाटर की रिएक्शन किसी एल्कीन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ मिनरल एसिड, तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो वाटर होता है वो H+ को लेकर के इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, और फिर वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता है हमारे एल्कीन पे,
जिससे हमें कार्बोकैटायन मिलता है। फिर दूसरे स्टेप में उस कार्बोकैटायन पर वाटर अटैक करता है, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। और फिर थर्ड स्टेप में जो स्पीसीज हमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक से मिली थी, उस पर से वाटर डीप्रोटोनेशन कर देता है, जिससे हमें एल्कोहल मिल जाता है और फिर से हमारा इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोनियम आयन मिल जाता है।